हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हम जा रहे हैं नजीबाबाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहि सलाम एंड ज़ियारत बीबी फातिमा ज़हरा अलैहि सलाम करने। तो हम सब हो चुके हैं रेडी, क्योंकि हमारी ट्रेन है अर्ली मॉर्निंग की। बाजी हो चुके तैयार, जो कि गली में कर रहे हैं हमारा वेट। हम कर रहे हैं मम्मी का वेट, मम्मी भी आ चुकी हैं। ये चलती हुई ठीक है। तो बाहर निकलते हमने लिया ऑटो, जो हमें छोड़ के आया रेलवे स्टेशन। हम पहुंच चुके थे अपने टाइम से, ट्रेन की टाइमिंग से पहले। तो हमने यहाँ पे कुछ सामान लिया खाने पीने का, जो हमने पैक कर लिया अपने बैग में रख लिया। तो अर्ली मॉर्निंग में भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा था नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे खासे लोग दिख रहे थे। हमारी ट्रेन पहले से मौजूद थी, तो हम चढ़े अपनी ट्रेन में। ट्रेन में पहुँचते हमें अपनी सीट मिल गई, जो कि मुझे चाहिए थी विंडो वाली। तो विंडो वाली सीट लेते ही मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हो गए हैं, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग लेट थी और हम पहले ही पहुँच चुके थे। क्या बोल दियो, वाओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस अपनी कैप्चर करी, और ये वीडियोस मैंने आई थिंक इंस्टा पे अपलोड की थी विद म्यूज़िक सम शायरी। सो ये था हमारा कुछ छोटा सा ट्रेन का सफ़र। रास्ते में देखा बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन था, जिसको आज के टाइम में हम कोहरे का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने आराम से बैठे, चाय पी, नाश्ते का सामान हम लेके आए थे घर से, हमने करा वो सब अनपैक, क्योंकि हम सबको लगी थी भूख। अब रास्ते में ट्रेन रुकी है, क्योंकि स्टेशन आते हैं तो सवारी चढ़ती हैं उतरती हैं। तो अब हमारी चाय का टाइम हो चुका है, तो ये आ गई, पेश है मेरी चाय टिन टिन। उसके बाद ये हमें ट्रेन में इतना क्यूट सा बेबी दिखा था ना, मतलब ये अपने पापा को बहुत ही परेशान करता, बैठ ही नहीं रहता। ट्रेन से उतरते ही हमें मिल गया रिक्शा, क्योंकि ऑटो यहाँ बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो हम पहुँचे इमाम बारगाह, जो कि हमें दूर से ही दिख गया था। जाते ही हमने वज़ू किया, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा, मौला अब्बास, इन सब की हमने करी ज़ियारत। उसके बाद इन चीज़ों से फारिग होकर हम पहुँचे कमरा लेने, क्योंकि रात को सोने का इंतज़ाम इमाम बाड़े में होता है, बट अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि सब तरह के लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। हमने लिया रूम वहाँ पे आराम किया, सुबह के टाइम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस ली। ठंड का मौसम अच्छा खासा था, हम सोच रहे थे ठंड नहीं होगी, बट वहाँ पर मौसम अच्छा था। जब अपने रूम से लौट के आ रहे थे तो हमें मिला ये तबर्रुक, रात के टाइम यहाँ पर होती मुनाजात, तो मुनाजात स्टार्ट हुई। अपने अपने साथ यहाँ पर दुआ मांगते हैं, ये छोटी वाली बहन जो इमाम बारगाह में जाते हुए अपनी वीडियो बनवा रही है। तो उम्मीद तो यह है कि जिसकी भी जो उम्मीदें हों, दुआएं हों, वो इंशाल्लाह कबूल हों, साथ में मेरी भी कबूल हों, कि जिस काम के लिए हम वहाँ गए थे ज़रा बहुत ही आसानी से, बहुत ही शांति के तरीके से हुई। लोग यहाँ बहुत ही तादाद में पहुँचे हुए थे, और मौसम सुकून मिला, थोड़ी धूप निकली। अब रात का वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर बर्ड्स ने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे मगरिब का टाइम होता है यहाँ पर बर्ड्स करती है चैंटिंग। आप सुन सकते हैं ध्यान से, इसके बाद रात के टाइम जो मुनाजात हुई, मुनाजात के बाद ये धोने लेते हैं सब इमाम बारगाह से, तो जो बीमार होते हैं इंशाल्लाह उन्हें शिफा मिल जाती है। उसके बाद ठंड का मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका था रात के टाइम, क्योंकि चारों तरफ जंगल है। हमने ली चाय और हम चले अपने रूम की तरफ, क्योंकि अब सुबह का टाइम है। हमने सारा सामान अनपैक, मतलब वापस पैक किया, हमें यहाँ से निकलना था, तो हमने अपना सारा सामान दोबारा से चेक किया कि हम रूम में कोई अपना सामान भूल तो नहीं गए हैं। हमने सारा सामान दोबारा चेक करके बस यहाँ से निकले। मॉर्निंग के टाइम में हमने दोबारा से ज़ियारत करी और थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि रिक्शा वगैरह यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था। तो जब तक सब नमाज़ पढ़ रहे थे मॉर्निंग में, कि फजर की नमाज़, मैंने अपनी नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुकी थी, और सब भी अपनी नमाज दुआओं में लगे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर शांति थी, तो ज़ियारत करके अपनी वीडियो बनाई। यहाँ पर सिस्टर भी अलविदा कहते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो कितना शांति है इस टाइम, क्योंकि जुम्मेरात में पब्लिक बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आती है। लोग अपने अपने आधे लोग अपने अपने रास्ते में रात को चले गए थे, तो हमारी ट्रेन सुबह की थी, जो हमें मिली भी नहीं। बाद में हमने रियाद करके हमने रिक्शा लिया और फिर हमने सफ़र किया स्टार्ट वापस से रिक्शे का, क्योंकि रेलवे स्टेशन तक हमें रिक्शे से लेके जाता है वहाँ से। और वहाँ पे क्या मतलब, रास्ते में मॉर्निंग में भी अच्छी खाई चलती है, उन्होंने इतने स्वेटर वगैरह लेके नहीं करते,
बस हम अपने ब्लैंकेट वगैरह ले गए थे। अब ये था तबरुक, हमें मिली बस, हमने बस ली और सफ़र हो गया हमारा घर पे लौटने का स्टार्ट। तो रास्ता है कितना प्यारा था, ये समुंदर मतलब नदी जो भी कह सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमने दूसरी मेट्रो में बस चेंज करी और ये आ गए हम अपने घर। और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने ट्रेन में लिए थे अपनी चाय के साथ, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय।